खबरों की कुछ खास खबर क्या जानेंगे, नजर बता दें आवाज न्यूज की खबर का हुआ है असर। हर खबर में सबसे आगे हैं हम, इसलिए कहलाते हैं आवाजधारी। बता दें आवाज न्यूज के द्वारा छिपा बड़ोद में बम्बोरी घाट पर सफाई की बात को लेकर मुद्दा उठाया गया था खेल मैदान में। जी हां, जहां पर ओलंपिक खेलों को एक बार फिर से आगाज हुआ है। बता दें कि युवाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा युवाओं के लिए बता दें जो मैदान की व्यवस्था की गई थी, जहां पर कार्यक्रम का आगाज होने वाला था, खेल प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, सफाई व्यवस्था नहीं थी, ना तो टेंट की व्यवस्था थी, ना खिलाड़ियों के लिए किट की व्यवस्था, जिसके बाद खिलाड़ियों ने इसका किया था विरोध प्रदर्शन। आवाज न्यूज के द्वारा प्रमुखता से इस खबर को उठाया गया, जिसका असर आज हुआ है और छिपा बड़ोद में बम्बोरी घाट में सफाई व्यवस्था की गई है। टेंट की व्यवस्था करने के बाद आज खेल का हुआ है शुभारंभ। बता दें कि आवाज न्यूज की खबर का हुआ असर, बम्बोरी घाटा में राजीव गांधी ओलंपिक खेल का हुआ आगाज, खिलाड़ियों की मांगे हुई है पूरी, क्रिकेट ग्राउंड की साफ सफाई हुआ, माइक और टेंट की व्यवस्था भी की गई, सभी खिलाड़ियों ने आवाज न्यूज का किया सम्मान और वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने क्रिकेट का लुफ्त उठाया और मौके पर पहुंचे तहसीलदार, उन्होंने भी सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर राजीव गांधी ओलंपिक खेल क्रिकेट का आगाज किया और सभी खिलाड़ियों से प्रेरणा दी गई कि खेल को खेल की भावना से खेलें। बता दें बम्बोरी घाटा 2 vs गणेशपुरा खेला गया, बम्बोरी घाटा ने जीत दर्ज की और फाइनल मुकाबला बम्बोरी घाटा 1 vs बम्बोरी घाटा 2 के मध्य खेला जाएगा। हमें तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ छात्रों से कि आप मन लगा के ये खेल में, व्यायाम में, इनमें आप रुचि लेंगे तो अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और सरकार की मंशा ये है कि गाँव में जो प्रतिभाएं छुपी हुई है उनको उजागर हो। ये जो ग्रामीण, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का मकसद यही है कि जो ग्राम के अंदर या जो जिनको कोई मंच नहीं मिला, कोई किसी तरह का कोई आगे सपोर्ट नहीं मिला, उनको इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से इन प्रतिभाओं को आगे लेके और राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का, वो जो अंतर्राष्ट्रीय तक पहुँच कर अपने राज्य का नाम रोशन करें। और मैं सभी से यही है कि गेम्स एक अपने स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य इसके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए सर, जिस तरह की सर जो कल यहाँ पर खिलाड़ियों ने यहाँ पर जो सुविधा के लिए किया गया था, जब आप आए थे खिलाड़ियों की क्या सुविधाएं लगी थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो कल मैंने यहाँ आया और यहाँ देखा कि लोग, बच्चे जो भी खिलाड़ी थे, वो एक नाराज़गी पैदा कर रहे थे कि यहाँ फील्ड तैयार नहीं है, यहाँ हमारे को कुछ आप आए थे सर यहाँ पर, आपको क्या फील्ड यहाँ पर किस तरह से दिखा? फील्ड में वास्तव में यहाँ कुछ कमी नज़र आई, फील्ड जो खेलने लायक था नहीं और यहाँ कुछ गंदगी भी थी। एक लोग बच्चे ये कह रहे थे कि यहाँ थोड़ा हमें बेड वगैरह की भी कमी थी, तो हमने बच्चों से भी बात करी, यहाँ विद्यालय स्टाफ से बात करी, तो इन्होंने कहा कि साहब हमें टाइम कम मिला और हम कोशिश करेंगे, आज हम फील्ड तैयार करेंगे और सामग्री कोई कमी नहीं आने देंगे। और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया, बच्चे भी इस बात को मान गए और इन्होंने भी ये कहा कि हम कल से इस मैच को साहब ठीक है, हम बहिष्कार नहीं कर रहे और हम कल इसको सभी मिल के अरे फील्डिंग जमा सुरेंद्र ले ओए फटाफट खिलाड़ी आ जाओ अपना गुरुदेव हटे आ जाओ सहनशीलता से प्रेम से हर बार खेलेंगे, पर दोबारा भी यहाँ बार बार होगा, पर सब लोग प्यार प्रेम से, उसमें अगर मैं गलती हो आवाज न्यूज 24 में आपका सबका स्वागत है। मैं आवाज न्यूज 24 संवाददाता इशाक मोहम्मद बात, कैमरामैन हरिओम के साथ में। आज जो ओलंपिक खेल ग्रामीण हो रहा है यहाँ पर, हमने देखा कल जो बहिष्कार हुआ था, आज यहाँ पर पूरे नियम के साथ में पूरा ओलंपिक खेल चालू किया जा रहा है। क्रिकेट का मैदान है यहाँ पर, बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण किया गया है इस बार यहाँ पर। हम बात करेंगे प्रिंसिपल साहब से, यहाँ पर कितनी टीमें आई हुई हैं और यहाँ पर कौन कौन की टीम के मध्य में किया जा रहा है?
उधर चार टीमें आई थी तो उनके तीन टीमें प्रेजेंट हैं, उनके खिलाड़ी हैं, तो तीन टीमों में से एक को बाय मिल चुकी है, वो सीधे फाइनल में खेलेगी। कौन सी टीम को सर बाय मिल चुकी है? भगोरी घाटा दो टीमें वहाँ पर थी, जो एक टीम को बाय मिल चुकी हैं फर्स्ट को। दो टीमें, एक तो गणेशपुरा है और पमोरी घाटा, दोनों के मध्य मैच खेला जाएगा। यहाँ पर गणेश वर्सेज पमोरी घाटा के मध्य मैच चालू किया जा रहा है। हम यहाँ पर बातचीत करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पर पूरा सौंदर्यकरण पूरी व्यवस्था करने के बाद यहाँ पर गणेशपुरा वर्सेज पमोरी घाटा का मैच चालू होने वाला है। हम बात करते हैं इनसे, क्या कहना चाह रहे हैं आप सर? जी, मेरा नाम संजय पालीवाल है और मैं पहले बात तो आवाज़ न्यूज़ को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने कुछ हमारा इशू क्रिएट हुआ था उसको सॉल्व करवाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद बोलता हूँ मैं इन गुरुजनों को जिन्होंने हमारी जो डिमांड थी